भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कृषि बिल की वापसी, मजदूर विरोधी कानूनों में संशोधन के सवाल पर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए पहुंचे और एक ज्ञापन जिला पदाधिकारी को दिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए माकपा नेता जिला पार्षद राजीव कुमार सिंह ने कहा कि आज चारों ओर देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। किसान, मजदूर, मध्य वर्ग परेशान हैं, लेकिन इस सरकार को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के विकास की चिंता है। इसलिए इस सोई हुई सरकार की नीतियों के विरुद्ध दस्तक देने के लिए हमारी पार्टी ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगर इनकी नींद नहीं खुली तो पूरे देश में आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों में शामिल अन्य नेताओं में मुख्य रूप से कॉमरेड मधुसूदन ऋषि, नारायण राम, बुधिलाल मुंडा, सूरज चौहान, शिवनाथ सोरेन, कॉमरेड रामानंद मेहता, मोहम्मद कुलेमान, ब्रह्मदेव ऋषि, मोहम्मद लुकमान, कॉमरेड लाल बहादुर उरांव, शंकर ऋषि, मोहम्मद अख्तर मुन्ना उरांव, कमल मिस्त्री सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। आज क्रांति दिवस पर मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किए, क्या चीज का प्रदर्शन था ये? आज क्रांति दिवस पर पूरे देश में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा आक्रोश मार्च जिला मुख्यालय पे निकाला गया था। उसे राज्यव्यापी आह्वान के तरफ से हम लोग भी पूर्णिया में आक्रोश मार्च निकाले, जिसमें मुख्य मांगे हमारी थी आज बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और खास करके आज काला कृषि कानून जो है और श्रम कानून में जो बदलाव किया जा रहा है। हमारे मजदूर जो हैं, जो 8 घंटा काम करते हैं, आज नया कानून लाया जा रहा है जो उनसे 10 घंटा 12 घंटा काम कराया जाएगा। हम लोगों का मांग है श्रम कानून में जो 4 नया संशोधन किया गया उस संशोधन को वापस लीजिए, काला कृषि बिल वापस लीजिए जो काला कानून आप लाए हैं किसान के खिलाफ, साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। आज जो मोदी जी की सरकार में करोड़ों युवा बेरोजगार हो गया है, लघु उद्योग कुटीर उद्योग बंद हो गया है, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। और खास करके हमारा मिडिल क्लास आज जो महंगाई है, चाहे उस गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सरसों तेल का दाम बढ़ गया, हर चीज का कीमत सिर्फ बढ़ रहा है लेकिन आमदनी किसी का नहीं बढ़ रहा, जेबें लोगों का ढीला हो चुका है। हम सरकार से आज हम लोग पूरे हमारी पार्टी पूरे देश में राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत यह कार्यक्रम किया और हम लोग मांग किए हैं तो अविलंब हम लोगों का मांग पूरा कीजिए, नहीं तो पूरे देश में इस देश की जनता, नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और काला कृषि कानून जो आप लाए हैं उसके विरोध में, श्रम कानून के सवाल पे हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क से सदन तक लोग इसका विरोध करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।